अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो है चिकन विंग्स लॉलीपॉप। तो ये मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाएंगे, और सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। क्रम्स लिए हैं मैंने, ये खुद मैंने घर पे बनाए हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है मैदा, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और मिक्स कर लिया है मैंने इन्हें। सोया सॉस है मेरे पास 1 टेबल स्पून, चिली सॉस है मेरे पास 1 टेबल स्पून, और इसी के अंदर मैंने सिरका ऐड कर दिया था, आपको नज़र आ रहा होगा ये भी था 1 टेबल स्पून। अंडा है मेरे पास 1 अदद, दाढ़ा मिर्च है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला है मेरे पास 1 टीस्पून, सूखा धनिया है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, लहसुन है 1 टीस्पून और अदरक है 1 टीस्पून, और विंग्स है मेरे पास 10 अदद। और आपको मैं बता दूं, जो विंग्स लिए थे मैंने उनका सारा चिकन एक साइड पे कर लिया था, और एक मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। और ये वाले विंग्स हैं, इसके बहुत मज़े के बनते हैं लॉलीपॉप्स। और टिप ये दूंगी कि जब आप चिकन लेते हैं तो इस तरह विंग्स निकाल के मोस्टली कलेक्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, जब बनाने हो आप इजीली बना सकते हैं। ये लॉलीपॉप जो विंग्स है, मैं बताऊंगी कि इसको आपने कैसे साइड पे करना है। ऐसे करके आप चिकन साइड पे कर लें। ये हमने साइड पे कर ली। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर ना जो मिड से इसकी हड्डी को साइड पे कर लें। जो हड्डी जो है ना इसमें हल्की है उसको हमने निकालना है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी। अब देखें कि ये वाली हड्डी जो है ना बिल्कुल हल्की है, इसको ना मैंने यूं करके निकाल लेना है, बहुत आसानी से निकल जाती है ये। और चिकन देखें साइड पे हो गया, विंग्स हमारा तैयार है। एक बाउल लिया है, इसमें ये सारी चीज़ें हम एक साथ ऐड कर देंगे। इसी के साथ चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, ये डाल के आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये मिक्स हो गए हैं। अच्छी तरह मसाले लगा लें, और अगर रेस्ट देना चाहें इसको तो 5 मिनट दे दें, ज़्यादा अच्छा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं बनाऊंगी ब्रेड। अब सबसे पहले आप विंग्स लें, विंग्स को ना हाथ पे यूं करके शेप दे दें। शेप देने के बाद सबसे पहले आपने मैदे और कॉर्नफ्लोर के अंदर करना है इसे कोट। कोट करने के बाद आप इसे अंडे के अंदर करेंगे। अंडे के अंदर करने के बाद हम क्रम्स में करेंगे। तो ये देखें बहुत ही आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। इसी तरीके से फिर लिया मैंने, हाथ पे ऐसे सेट किया, फर्स्ट पे इसमें किया, सेकंड टिप आपने अंडे के अंदर, और थर्ड पे आपने क्रम्स अच्छी तरह लगा लें। आपने शेप इसको बहुत अच्छी देनी है, आपने सारा चिकन ना नीचे जाके इसको सेट करना है, हड्डी के साथ ऊपर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी। क्रम्स सॉरी हो गए हैं विंग्स हमारे तैयार, अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसी तरीके से हम विंग्स डाल लेंगे सारे। आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। अब साइड करेंगे चैन। प्लेट मैंने डेकोरेट कर दी थी, अब इसके अंदर करूंगी सर।
और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही दिए बेल आइकन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।